आज हम हिंदी पुस्तक पाठ 10 से खाली जगह भरना सिखाएंगे आपको। ये आपके किताब में पेज नंबर 88 पर है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पाठ 10 में थप रोटी थप दाल शीर्षक है। इसका दूसरा शीर्षक चुनने के लिए कहा गया है, खाली जगह में भरना है। ये मैंने भर दिया आपको, बिल्ली ने खाई रोटी, और दूसरा है बच्चों ने बनाई रोटी, आप भर सकते हैं। उसके आगे कहा गया है, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो खाली जगह में। ये आवाज़ वाले शब्द खट टप और खट दो लिखा हुआ है। इसके आगे आपको सोचकर खाली जगह में आवाज़ वाले शब्द भरना है। तो देखिए मैंने आपको भर दिया है, धम्म धप सर फट। इसके आगे है कौन कौन से खेल आप खेलते हैं उनके नाम लिखिए। तो मैंने आपको खाली जगह में भर दिया है, कैरम लूडो क्रिकेट गेंद टेनिस बैडमिंटन लुक्का छिप्पी कबड्डी, और भी आप खेल कोई खेलते हो तो उसको आप भर सकते हैं। यह है पेज 88 पर। इसके आगे हम आ गए पेज 89 पर। आप देखिए पाठ 10 का ही खाली जगह भरना है। इसमें आपको पूछा गया है कि तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है वाले कॉलम में हमने लिखा, जैसे किसी की माँ खाना बनाती है तो आप लिख सकते हैं माँ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो आप बर्तन धोना पानी भरना सब्जी लाना आटा सानना ये सब मदद कर सकते हैं। मैं क्या मदद करता हूँ, आप बर्तन धोते हैं पानी भरते हैं सब्जी लाते हैं आटा सानते हैं, ये सब आप भर सकते हैं। उसके नीचे तुम क्या बनाती, अब खाना पकाने के लिए आपको कहा जाए तो आप बताइए कि आप क्या बनाएंगे और उसका उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत आपको होगी, ये खाली जगह में भरना है। पकवान का नाम जैसे मैंने आपको लिखा हलवा, इसके लिए आपको सूजी चीनी और घी की ज़रूरत होगी। उसके नीचे मेरे पूरी, इसके लिए आटा घी और पानी की ज़रूरत होगी। इसी तरह से आप भी सोचकर खाली जगह में भर सकते हैं। ये पेज 89 पर मैंने खाली जगह भर दिया। अब है पेज 90 पर, देखिए इसमें तीन शब्द हैं, बिलोना घोलना और फेंटना। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते हैं घोलते हैं और फेंटते हैं। तो आप खाली जगह में देखिए भरा हुआ है, बिलोते हैं दही और मक्खन को बिलोया जाता है, घोलते हैं चीनी और पानी को घोला जाता है, फेंटते हैं पानी और दूध को फेंटा जाता है। इस तरह से आप इसको भी भर सकते हैं। उसके आगे 91 पर देखिए एक कविता है। अब इसमें चार लाइन ऊपर कविता लिखा हुआ है, टिंकू ने पकाई बढ़िया चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो, जैसे लिखा हुआ है घंटी बोली टन टन टन, तो खाली जगह में आप जोड़ सकते हैं बच्चे भागे नन नन नन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, बैग उठाकर कहाँ चले, रेल चली भाई रेल चली छुक छुक करती रेल चली, कल की छुट्टी परसों इतवार फिर आएगा सोमवार, रोटी दाल पकाएंगे बड़े मजे से खाएंगे। इस तरह से ये मैंने आपको खाली जगह भरना सिखा दिया। आप इसको लिखकर पढ़कर अच्छा से दोहरा लेंगे तो आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।